यार गूंगे भर्ती किते बापटा जी बंदे। ओ भाई उसकी बात सुनो। ओ यार 2-2.5 लाख बिल आ गया जी। तो बारे नो ਭਰਦਾ ਮੈਂ ਥੁੱਕਾ ਨਾ ਭਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਦਾਕਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੇਬਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਚ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਸਦਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਯਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੋ ਛੋੜੋ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋ ਸਦਾਕਤ ਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਦਾਕਤ ਹੈ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜਨਾਬ ਭਾਜੀ ਆ ਕੀ ਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਮਾਈਏ ਬਾਪਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ गरीब आदमी किधर चला जा पता ही नहीं दफ्तर किसी नूं डील किदां करना कोई जाहल अनपढ़ भी हुंदा ही है यार तू जमा ना कराई बस सलाम अलैकुम जी एडी साहब तुसी हो जनाब बैठो 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 अब बिल देखना भाजी अच्छा नहीं नहीं मैं कोई नवे डिजाइन च नहीं मांग रहा था मैं आगे कह के जी बिल देखना मैं देख लिया हाँ जी ओके ते उते अपनी करतूतां भी तो वेखो ना 2.5 लाख रुपया बिल पाता गरीब आदमी चलाई होगी अग ला लेनी दस दवा दफ्तर थोड़ी जी बाहर जाके ला चल भाजी 2-2.5 हजार तो वध कदी आया नहीं 2.5 लाख कदा आ गया पहले तेन किना बिल 2.5 हजार हर महीने 2-2.5 हजार हाँ जी हूं इंशाल्लाह तेन 2.5 लाख ही आएगा जा तेरे हालात फिर गए दिन फिर गए तेरे लखा भी खेल हूं लखा च जा ओ भाजी कादे बड़ा प्राउड कह सकदा लोगों नु के 2.5 लाख बिल आया जा ओ भाजी मैं एक मजदूर आदमी रक्षा चलाउना इनु ठीक करके दियो मेनू ते मैं तेनु के रक्षा चला तू किते नौकरी कर ला ते इनु ठीक करो तुसी मैं किते इनु ठीक करा किसे ठीक करा को लत टूटी है दी ठीक कर दे मेरा बिल कटा तू अपनी कमाई बता इनी बारी सुटिया सटिया च कुछ घटिया नहीं होएगा भाजी मैं 18 बच्चे गरीब आदमी नु कटाओ तुम्हें कट साले 18 बच्चे आप तू होल्डर का हुंदा या नहीं चुक बिल थले अरुण साहब का बिल एवं नहीं है 18 बच्चे ने जी एक बच्चा नुआओ 18वें दी जिहड़ी वारी आंदी उन्नी जो फिर पहले दी नाल दी वारी आ जांदी मैं यकीन करो बच्चे टाकी ना पूछ लेना मैं मोटर नहीं चलाऊं तू बच्चे नु आंदा नहीं पूछदा हां जी हां जी तद भी बिल आएगा वो क्यों वजह टाकी ते गिल्ली करनी पेंदी ना ओ 2.5 लाख ना टाकी गिल्ली होनी है पहले तू ये दस एडी बटतशी रख ओ बैठना की है जी इथे बैठ नु दिल करदा ओए मेनू ये दसो हां जी इन चीजों ना तेरा तल्लुक है गुरबत रक्षा 18 बच्चे ओ भाई अल्लाह दी यकीन करो मेरे रोंगटे खड़े हो गए 18 सुन के यार तू जमे है 14 साल हो गए मेरी शादी नु अच्छा 3 बच्चे ने भाई तुसी रक्षा चलाओ तानू पता लगे उस साले है हर रक्षे दी हीट ना बच्चे होते यार मैंने तू पहले ये दस फिर रक्षे दा बच्चे ना की तल्लक है तू केड़ा हर 100 किलोमीटर ते बच्चा देना भाई 5 साल हो गए मेरे ब्याह नु कोई बच्चा नहीं सी होता फिर मैं रक्षा लिया मेरे दोस्त ने मशवरा दिता कहता रक्षा चलाया कर बेला फिरता और रक्षे तो अल्लाह ने फिर कर्म किया 18 बच्चे हुए मेरे यार ये रिक्शे का बच्चों रिक्शे का की तू तो 18 बच्चे नहीं भी रक्षे जी बंदे भूल जाते हैं मैं एक दिन सवारी चुकी 2 बच्चे भूल गई मैं घर लाया फिर एकदम मैं जा रहा सी सवारी एक बच्चा भूल गई मैं तो पर्स खोले बच्चे बच्चा सी मैं घर लाया भाजी आ बिल कटा दियो ऐ बिल तेन तारना पैना ओ भाजी मैं नहर च तार दिया मैं किथे तार दिया 2.5 लाख मैं किथों दवा मिस महक कोल जाओ यार एक दफ्तर दे बड़े चक्कर हुंदे आ अरुण साहब वैसे सरकारी दफातर जितने भी ऐसे ही होता है कभी इसके पास कभी उसके पास कभी उसके पास जी ये जान बूझ के करते हैं और एक स्टडी भी आई थी एर्गोनॉमिक्स के हवाले से कि जिन दफातर में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं वहाँ करप्शन भी ज्यादा होती है जी बिल्कुल और उन दफातर में काम की प्रोडक्टिविटी भी कम होती है exactly. थोड़ा सा अगर आप इनफॉर्मल चीजों को रखें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है इस तरह तो आदमी जलील हो जाता है इन दफातर में जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मिस मैं तुसी हो हाँ जी मेरे 18 बच्चे है जी ते मैं की करा 18 बच्चे ने दुआ करो 2 होर हो जाने 20 ते पूरे होण ਇਹ ਜੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਬਤਾਏ ਜੀ ਕਿਆ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 00001 ਓਹੋ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ जी बिजली के दफ्तर फोन करने के लिए शुक्रिया बताइए क्या हेल्प कर सकते हैं हम आपकी जी अस्सलाम वालेकुम जी मैं 18 बचे तो 2.5 लखिया बोल रहे हैं और सीधा बताओ कि तुम्हारा बिल ज्यादा